गाइस, एक गुड न्यूज़ है नोकिया 6.1 प्लस यूजर्स के लिए। नोकिया ने फरवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट कर दिया है और ये अपडेट रोल आउट हो चुका है। अगर आपको आपके नोकिया 6.1 प्लस को ये अपडेट नहीं मिला तो एक बार सिस्टम अपडेट आप जरूर चेक कर लेना। गाइस, नोकिया 6.1 प्लस एक एंड्रॉयड 1 डिवाइस है, यानी सिक्योर एंड अप टू डेट और ईजी टू यूज। एंड्रॉयड 1 फोन्स को एटलीस्ट 2 मेजर एंड्रॉयड ओएस अपडेट्स जरूर मिलेगा और एटलीस्ट 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी, और सबसे इंटरेस्टिंग प्योर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी। ये अपडेट 62.2 एमबी का है। और चेंज लॉग की बात करें तो व्हाट्स न्यू में गूगल सिक्योरिटी पैच फरवरी 2019 लिखा है और कुछ भी मेंशन नहीं है। गाइस, सिक्योरिटी अपडेट अगर आपको मिलता है और इसके साथ कोई नए फीचर्स या बग्स फिक्सेस की बात नहीं की गई है तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। नोकिया 6.1 प्लस का प्राइस अभी ड्रॉप हुआ है, 14,999 रुपये में आपको ये डिवाइस मिल जाएगा। और गाइस, सैमसंग ने अभी रिसेंटली गैलेक्सी M20 13,000 रुपये का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है 4GB रैम के साथ, और उसमें आपको मिल जाएगा Exynos 7904 प्रोसेसर। तो क्या सैमसंग का गैलेक्सी M20 नोकिया 6.1 प्लस से ज़्यादा क्विक है और Exynos 7904 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 636 को बीट कर देगा? क्या रैम मैनेजमेंट में गैलेक्सी M20 ज़्यादा क्विक है, ज़्यादा बेटर है? आपको अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। गाइस, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड गाइस, देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।